प्रदेश के सबसे पुराने म्यूजियम अल्बर्ट हॉल का आज स्थापना दिवस है। आज अल्बर्ट हॉल का 133वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शहर के बीचों बीच रामनिवास बाग में स्थापित अल्बर्ट हॉल न केवल ज्ञान का केंद्र है, साथ ही कलाकारों को अपने ज्ञान को विकसित करने की एक ऐसी जगह भी है जहां पारंपरिक भारतीय कला का संरक्षण हुआ है। ये रिपोर्ट देखिएगा। एक सौ 143 साल पहले बने अल्बर्ट हॉल की नींव महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के वर्ष 1876 में जयपुर आगमन के दौरान रखी गई थी। हालांकि उस समय ये निर्धारित नहीं था कि इस भवन का उपयोग किस लिए किया जाना है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण साल 1887 में पूर्ण हुआ, जिसमें कला वस्तुओं को भारत के विभिन्न भागों एवं आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित किया गया था। लेकिन आज अल्बर्ट हॉल जयपुर शहर की एक खास पहचान बन गया है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष करीब 3 लाख से ज्यादा सैलानी अल्बर्ट हॉल का दीदार करने आते हैं। स्कूली बच्चों सहित विज्ञान और आर्किटेक्ट पढ़ने वालों के लिए भी यहाँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ रखी हुई ममी राजस्थान की पहली और इकलौती ममी है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाएं और अन्य चीजें यहाँ निश्चित तौर पर दर्शनीय है और यहाँ मुगल राजपूत स्थापत्य कला का प्रतिबिंब साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ अकबरकालीन चित्रित रजमनामा और धार्मिक चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। बरामदों में यूरोप, मिश्र, चीन, ग्रीक और बेबीलोनिया सभ्यता की प्रमुख घटनाएं चित्रित की गई हैं, ताकि संग्रहालय में आने वाले दर्शक अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य देशों की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हों। आज अल्बर्ट हॉल का स्थापना दिवस है, इसके चलते आज के दिन यहाँ एंट्री फ्री होती है। अल्बर्ट हॉल के एकदम पास में शहर का इकलौता चिड़ियाघर मौजूद है, जिसमें बच्चों के देखने के लिए शेर, बाघ, सफेद बाघ, अजगर, हिरण, चीतल और मगर, घड़ियाल के साथ साथ कई तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं। शाम के समय अल्बर्ट हॉल के आसपास का नजारा एक चौपाटी जैसा लगने लगता है। वहीं अल्बर्ट हॉल की स्थापना के अवसर पर यहां कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संगीत संध्या के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।